घोसी विधानसभा उपचुनाव में सत्ता पर काबिज बीजेपी के प्रत्याशी के विरोध में समाजवादी पार्टी के रामधनी चौहान ने पहले दिन ही पर्चा खरीद कर खंभ ठोका। गौरतलब हो कि इस विधानसभा में 2022 में विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी से नाराज होकर समाजवादी पार्टी में शामिल दारा सिंह चौहान ने चुनाव जीता था, लेकिन चुनाव के बाद बीजेपी की सरकार बन जाने के कारण दारा सिंह चौहान एकदम खामोश हो गए और अचानक एक दिन उन्होंने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देते हुए बीजेपी का दामन थाम लिया। वहीं उनके मंत्री बनाए जाने और इस घोसी विधानसभा चुनाव में पुनः चुनाव लड़ने की कवायद लगाए जा रही है। अब देखना यह होगा कि भाजपा घोसी विधानसभा में किसे अपना अधिकृत उम्मीदवार बनाकर भेजती है। वहीं जब से दारा सिंह चौहान ने अपनी सदस्यता से इस्तीफा दिया है, तभी से यहां पर भाजपा के सिंबल से उनके सामने चुनाव लड़ चुके पूर्व विधायक विजय राजभर समेत अन्य कई भाजपा नेताओं ने अपना दावा टिकट के लिए प्रस्तुत कर दिया है, जिससे दारा सिंह चौहान की मुसीबतें बढ़ती जा रही है और चुनाव जीतने की राह में अड़चने पैदा होते जा रही हैं। अब जब घोसी विधानसभा के उपचुनाव में सपा का चौहान नेता रामधनी चौहान टिकट के लिए नामांकन फार्म खरीद लिया है, तो कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि घोसी की जंग जबरदस्त होगी। अब देखते हैं कि दल बदलू दारा सिंह चौहान भाजपा के उम्मीदवार बन के आते हैं या कोई और उम्मीदवार जंग में होगा। केकरे नाम से? अपने नाम से, रामधनी चौहान के नाम से। अच्छा, ठीक। जा।